वट सावित्री पूजा सत्यवान एवं पवित्रता धर्म का पालन करते हुए यमराज के बल को छीन कर लाने वाली सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। इस दिन पति के लिए व्रत रखा जाता है। जेठ मास कृष्ण पक्ष की स्नान दान की अमावस्या पर सोमवार को वट सावित्री महापर्व मनाया जाएगा। राजधानी में अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री पूजा के मौके पर नूतन पारंपरिक वेशभूषा में सुहागने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अक्षय सुहाग की मंगल कामना करेगी। सुहागने सोमवार को सुबह स्नान ध्यान के बाद वट वृक्षों के पास एकत्र होंगी। वहां साथ लाई गई बांस की टोकरियों में सप्त धान्य भरा जाएगा। दूसरी टोकरी में सत्य सावित्री एवं ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी। तोड़सोपचार विधि से पूजा के बाद सुहागने ब्रह्मा एवं सावित्री को घी से तैयार हुआ, गुड़ से तैयार हुआ ठेकुआ और अन्य पकवान के अलावा मौसमी फूल फल और प्रसाद निवेदित किया जाएगा। भोग निवेदन के बाद सभी वट वृक्ष की सामर्थ्य के मुताबिक 108 बार प्रतिक्रिया कर लाल सूत लपेटेंगी। इसके बाद वट वृक्ष को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। पूजा अर्चना कराने वाले ब्राह्मणों को दान देकर एवं शीश लेकर सुहागने घरों को लौट जाएगी। वट सावित्री जानी यमराज से सावित्री ने क्या 3 वरदान मांगे थे, यमराज से कैसे अपने पति के प्राण लाई थी सावित्री। सुहागने पूजा के बाद वट के पत्तों को शीश पर धारण करेगी। इसी पत्ते से वह बाद में अपनी पतियों को हवा झेलेगी। मान्यता है कि वट वृक्ष प्रलय काल में भी अक्षय रहता है। मान्यता है इसके पत्ते से हवा करने से दाम्पत्य जीवन आनंदपूर्ण होता है। ये वास्तव में वो वट पूजा है, सावित्री और सत्यवान की कथा है। सत्यवान की अकाल मृत्यु की योग थी और एक वर्ष के भीतर यह योग था। यमराज आकर के उनके प्राण को ले गए, लेकिन सावित्री अपने पातिव्रत धर्म के कारण और इस वर पूजन के कारण, वट वृक्ष के पूजन के कारण उन्हें फिर से प्राण वापस मिला था। उनके भाई प्राणवायु वापस धर्मराज को देना पड़ा था, जिससे वह फिर से सौभाग्यशालिनी हुई। और यह व्रत जो भी स्त्रियाँ श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक करती हैं, भगवान की कृपा से वो सौभाग्यशालिनी बनी रहती हैं। और आज एक अच्छा संयोग यह भी है कि यह सोमवार का दिन पे पड़ा है, तो आज सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या और वट सावित्री पूजा दोनों एक ही दिन पड़ा है, आज का बहुत ही अच्छा संयोग है। मतलब वास्तव में हम लोग ये जो पूजन करते हैं, हमारे सनातनी पद्धति में प्रकृति की पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष की पूजा, नीम वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, और ये जितने भी वृक्ष हैं ये सारे हमारे प्रकृति के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो हरा भरा रखने के लिए भी इसे जल पूजा जाता है।